हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह। आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 2 से लेकर 13 तक की संख्याएं किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं या नहीं, ये आप केवल देख के ही बता सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल संख्या को देख के ही बता देंगे कि ये संख्या किस संख्या से कट रही है। तो चलिए अब सीखते हैं उसका नियम। तो देखिए, पैसे तो मैंने ये नियम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिए, फिर भी मैं इसको आपको कुछ नियम समझा रहा हूँ। जैसे 2, 4, 8 और 10 का देखिए इनका क्या रूल है, इनका लगभग एक जैसा ही रूल है। अगर लास्ट का अंक कोई 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे 2, 3, 4, अगर लास्ट का अंक कट रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। जैसे यहाँ देखिए 3, 2, 5, लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या ये 4 से कट जाएगी। 4, 8 का नियम समझिए, अगर कोई संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। जैसे यहाँ पर है देखिए 5, 7, 3, अब यहाँ पर देखिए लास्ट के ये अंक जो है वो 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब उसके बाद समझते हैं 10 का नियम, अगर लास्ट का अंक 0 है, क्या है 0 है, तो पूरी संख्या 10 से कट जाती है। कोई भी संख्या लिख लीजिए 2, 3, 5, 0, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ 5 का भी बता देता हूँ। तो 5 का रूल भी बहुत आसान है, अगर लास्ट का अंक क्या है 0 या 5 हो, क्या हो, क्या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से कट जाएगी। लीजिए 5 संख्याएं तो ये आपकी हो गई। अब मैं बता रहा हूँ आपको 3 का और 9 का। 3 का और 9 का जो रूल है वो लगभग एक ही है, अगर कोई संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से 3, 4, 2, 3, 5, 4, 9। अब देखिए यहाँ पर अंकों का जो जोड़ है वो 3 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 9, 2, 3, 5, 4, 9, अंकों का जोड़ जो है यहाँ 9 से भी कट रहा था, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटेगी और 3 से भी कट जाएगी। अब हम आगे सीखते हैं, आप देखिए 7, 11 और 13 का नियम, अब इसको जरा अच्छे समझेंगे। 7, 11 और 13 का नियम, अब इसमें क्या जैसे मान लो कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो तो इसमें हमें करना क्या, 3, 3 के जोड़े बना लेते हैं ऐसे करके। किसी में जैसे मान ली यहाँ पर अंक कम रह जाए तो 0 लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे पहले विषम स्थान पे जो है उनका जोड़ लो 5, 6, 8, इनको जोड़ लीजिए। तो 8, 5, 13, 6, 3, 9, 1, 10 का 0, 2, 5, 7, 8। अब इसमें से ये वाला, इसमें से इनका अंतर कर लीजिए, जो सम स्थान पर आए हुए हैं इनका अंतर देखिए, जो जो बड़ी हो उसमें से हटा दीजिए, कोई सी भी हो सकती है बड़ी। तो 8, 9, 5 में से 8, 0, 3 हटा दीजिए, तो 10 में से 5 में से 3 गए 2, यह हो गया 8, ये हो गया। अब इसको चेक करना, अब देखिए अगर 7 से ये पूरी कट गई तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, और ये संख्या 11 से कट गई तो 11 से विभाजित हो जाएगी, और ये संख्या 13 से कट गई तो 13 से विभाजित हो जाएगी। अब चूंकि ये संख्या ना तो 7 से कट रही है, ना तो 11 से कट रही है, ना ही 13 से, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7, 11, 13 में से किसी से भी विभाजित नहीं है, यानी किसी से भी नहीं कट रही। अब मैं समझाता हूँ आपको 6 का नियम। तो 6 का नियम क्या थी, 6 का, अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। हाँ, 12 का रूल है यह, तो अब मैं आपको 12 का बता देता हूँ। तो 12 का क्या रूल है जरा समझेंगे, अगर कोई संख्या 12 के गुणनखंड यानी कि 2, 3, 4 और 6, यानी कोई संख्या 2, 3, 4 और 6 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 12 से कट जाएगी। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल लेके अब उसमें हम बताएंगे कि वो संख्या किस अंक से कट रही है। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, अब हम उनको समझते हैं कि वो संख्या किस किस संख्या से कट रही है। सबसे पहले ये संख्या देखिए, हमें एक एक करके जांच करनी है। सबसे पहले करनी है 2 की जांच, देखिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट का अंक क्या है 2 से कट रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसके बाद हम चेक करते हैं 3 से, 3 के लिए क्या बताया हमने, इन अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो जोड़ लीजिए 5, 4, 9, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 9, 20, 21, 22, 23, 26, 5, 31, 37, तो जोड़ जो आ रहा है उनका कितना आ रहा, 37 आ रहा।
तो आपके जोड़ लीजिए 4, 5, 9, 2, 11, 9, 20 21, 23, 26, 37। क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कट रही। अब चेक करते हैं 4। तो 4 के लिए हमने क्या बताया, लास्ट के दो अंक 4 से कटने चाहिए। तो 4 के 4, 4 6, 16, लास्ट के दो अंक 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब आते हैं हम 5 पे। 5 से कटने के लिए लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब हम आते हैं 6 पे। 6 से तभी कटती है जब 2 और 3 दोनों से कटे, तो चूंकि 3 से नहीं कट रही है इसलिए ये 6 से भी नहीं कटेगी। अब हम आते हैं 7। अब 7 का और 11 का और 13 का एक साथ जांच हो जाती है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। आप देखिए 3 जोड़े बन गए, 1, 2, 3, और विषम वाले को जोड़ लीजिए पहले। विषम वाले क्या, 4, 5, 2 और 3, 5, 6, इनको जोड़ लेंगे। 6, 2, 8 और 5, 5, 10 का 0, 4, 3, 7 और 1, 8, और जो सम वाले 9, 1, 2 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 8 गए, बचे 4, यहाँ बचा 0 और ये 104। अब देखना हमें, अब इस पर पता नहीं पूरा। अब देखिए क्या 7 से कट रहा है, 7 एवं 7 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 7 से विभाज्य नहीं है। क्या ये 11 से कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है। क्या 13 से कट रहा, 13 दून 26, 13 तिरपन 53, 53 65, 63 74, 13 अट्ठे 104, इसका मतलब 13 से विभाज्य है। अब आते हैं हम 6, 7 आ गए, अब चलते हैं 8 पे। 8 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है जब लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए। तो 8 चौक 32, 3 बचे और ये हो गया 8 चौक 32, 8 नहीं कट रहा, इसका मतलब 8 से विभाजित नहीं है। अब 9 से चेक कर दे, 9 से कोई संख्या तब कटती है जब अंकों का योग 9 से कट जाए, यहाँ हमने योग कर रखा है पहले, तो 37 9 से नहीं कटेगा, इसलिए 9 से विभाजित नहीं है। अब चेक करते हैं 10 का। कोई भी संख्या 10 से तब विभाजित होती है जब लास्ट का अंक 0 हो, तो इसमें लास्ट में 0 है नहीं, इसलिए 10 से नहीं कटेगी। अब आते हैं 11, हमने चेक कर लिया। अब चेक करते हैं 12। कोई संख्या 12 से तब कटेगी जब वो 12 के गुणनखंड से कट जाए। तो 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2, 3। देखिए 3 से भी नहीं कट रही है और 6 से भी नहीं कट रही है, इसका मतलब 12 से भी नहीं कटेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो संख्या है केवल 2 और 13 से कट रही है, बाकी 13 तक किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। तो एक क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को बताइए कि 2 से लेकर 13 तक किस संख्या से ये कट रही है, तो आप कमेंट लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के बराबर में घंटी का बटन भी है उसे भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा, नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ में आपके जो फ्रेंड है उन तक शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिए हैं। तो अगली वीडियो तक SP मैथ्स चैनल पे बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।